ये भरत कौन है? ये परमात्मा राम के अंग का उपांग बनकर आया है। भरत के बिना राम अधूरे हैं। और श्री सीता राम जी के प्रेम पीयूष प्रेमामृत से परिपूर्ण है भरत जी का चरित्र। और यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो उस श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत को प्रकट कौन करता? कौन उस अमृत को हम सबको पिला पाता यदि भरत जी का जन्म न हुआ? बाबा तुलसी कहे, ऋषियों मुनियों साधकों के साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कौन दूर करता यदि भरत जी का जन्म न हुआ? और बाबा तुलसी कह रहे हैं, मान लो ये कोई और कर भी सकता था काम, लेकिन यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो हम जैसे कलिकाल के सठ और हठ प्राणियों को राम दर्शन का कौन मार्ग प्रशस्त करता? यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो हम कलिकाल के लोगों को राम दर्शन ही नहीं हो पाता। तो भरत जी हम सबके गुरु है, गुरु है। गुरु तो वही होता है जो भगवान का दर्शन करा दे, भगवंत से मिलवा दे। तो कलयुग के गुरु हैं भरत। बहुत बार लोग कहते हैं किसको गुरु बनाए, आजकल गुरु तो कोई होता नहीं है, आजकल तो सब गुरु घंटाल होते। हमसे तो कई बार लोग ये लिख लिख कर पूछते हैं। मैं चेन्नई में कथा गा रहा था तो एक सज्जन कथा सुनते थे, अब मिलते समय तो नहीं बोल पाते थे, कितना ही कोई हमसे पूछेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी और एक दिन हम कथा से लौट रहे थे तो हमारे जेब में डाल दी। महाराज जी हम उत्तर चाहते हैं। हम तो वैसे उनसे कह दी हमको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या प्रश्न है। बाप रे बाप, सारा प्रश्न गुरु को लेकर। ये क्या गुरु होता है? आप लोग व्यासपीठ से इतनी गुरु महिमा गाते हैं, हम भोले भाले भक्त फंस जाते हैं, गुरु कोई नहीं होता, सब गुरु घंटाल होते हैं, सबकी अपनी दुकान है, ऐसा है वैसा है, फंस जाते हैं ऐसा। सौ में से नब्बे किसको गुरु बनाए? हम कहे अब तुम अपना जानो, हमको तो गुरु घंटाल नहीं मिले, अब तुम अपना जानो। थोड़ा बैठे बैठे सरक लो, जगह कम लो थोड़ा है आज। हाँ, थोड़ा बैठे बैठे सरको जरा, दो मिनट। सरकना समझते हैं? खिसक आइए, आगे थोड़ा बढ़िए, गैप समाप्त करिए। तो मैं गुरु विषय की चर्चा कर रहा था, थोड़ी सुन लिया जाए। गुरु की चर्चा अनिवार्य लगती है। देखो, आपको लगे कुछ भी, आपके लगने से गुरु की महिमा तो घट नहीं सकती। आपको लगे चाहे जो भी, आपको गुरु घंटाल मिल जाए वो आपका विषय, मैं उसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन किसी के कुछ लगने होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, गुरु की महिमा घट नहीं सकती है, गुरु की महिमा नहीं घटेगी। अब आप कहेंगे तो गुरु दीक्षा ले किससे, गुरु बनावे किसको? तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, हो सकता है हाड़ मास वाले शरीर में आपकी श्रद्धा ना हो, कोई बात नहीं, मत बनाओ, चले। तर्क और बुद्धि से मत विचार करिए। मैं कह रहा हूं चलिए, हाड़ मास के शरीर में आपकी श्रद्धा नहीं होती, चले, फिर भी गुरु तो बनाओ। तो किसको बनाऊं? बहुत छोटा प्रयोग बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं जानता भी नहीं। आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चाहे व्यक्ति को गुरु बनाना हो अथवा तत्व को बनाना हो, यद्यपि गुरु तत्व ही होता है, गुरु तत्व होता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता है।
वह तत्व जिसके भीतर हो जाता वह गुरु हो जाता है। तो गुरु किसको बनाए? देखो बहुत छोटा प्रयोग बता रहा हूं, अपनी बुद्धि से बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ समझ पाया नहीं। जिसको देखने के बाद, जिससे मिलने के बाद, जिसको सुनने के बाद, बार बार देखने का मन करे, बार बार मिलने का मन करे, बार बार सुनने का मन करे, बार बार उसकी याद आपको आए, बार बार उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आए, बार बार उसकी आवाज आपके कानों में गूंजे, बार बार आपके भीतर सिरहन हो उठे उससे मिलने के लिए, बार बार आप अकुला जाएं, बार बार आप व्याकुल हो जाएं उसके चरणों में बैठने के लिए, बार बार आपको मन करे अब इसके चरणों को छोड़कर नहीं जाना है, बार बार उसको देखने का मन करे। प्रश्न आप बहुत सारे लेकर आए, उसको देखने के बाद आपके सारे उत्तर समाप्त हो जाएं, समझ लेना यही गुरु है। उसी के चरणों को पकड़कर बैठ जाना, और कोई गुरु नहीं होता, वही आपका गुरु है, वही आपका गुरु है। अपने आप आपके प्रश्न के उत्तर आपके बिना पूछे उसके मुख से निकलने लगते हैं। गुरु, हा हा हा, चूंकि हम जैसे होते हमको गुरु भी वैसे ही मिल जाता, क्षमा करना, हम जैसे होते हमको गुरु भी वैसे मिल जाता है। अच्छा एक बात और बोल दूं, हम जैसे होते हैं वैसा ही हमको गुरु भी चाहिए। तो बनाइए भरत जी को गुरु, बनाइए रामचरितमानस को गुरु, बनाइए श्री हनुमान जी महाराज को गुरु, बनाओ। कहां कहते गुरु घंटाल मिलता? हनुमान जी गुरु घंटाल है, हनुमान जी गुरु घंटाल है। हनुमान जी जो गुरु घंटाल होते हैं उनका पोल खोलने वाले हैं। एक गुरु घंटाल उनको रास्ते में मिला था कालने में, मेरा निवेदन, भरत जी को गुरु बनाई। भरत जी का चरित्र हम सबको राम दर्शन का मार्ग प्रशस्त कराता है। कलिकाल तुलसी से सत